वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं आज ही ये दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह वाला जो ब्लॉग था वो काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और शाम के समय काफ़ी ठंडी हो गई, तो मैंने यहाँ पे पहन लिया ये स्वेटशर्ट। और अभी हम लोग जा रहे हैं गांधी चौक, वहाँ पर है वो मेला, तो चलो आप लोग भी चलो और आप लोग को भी दिखाते हैं क्या होता है, कैसा होता है मसूरी का मेला, कैसा होता है। तो ये मेरे में पहला एक्सपीरियंस है और आप लोगों के लिए, तो स्टे कनेक्टेड और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलो हम लोग आगे बाहर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि मेला है। और मैं आपको नीचे का नज़ारा देखो, इतना ब्यूटीफुल कि अब क्या बोलूँ। देखो वाह, ये तो कितना जगमग जगमग हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये व्यू, अमेजिंग। और ये देखो, तो यहाँ पे देखो इतने सारे बलून्स वगैरह बिक रहे हैं और इतनी भीड़ है उधर पीछे। चलो आगे चलते हैं तो दिखाते हैं। तो हाँ ठंडा बहुत है, क्या बोले, पैरों में ठंडी लग रही है, मत पूछो। तो फिर चलो चलते हैं मेला में, और काफ़ी भीड़ जा रही है, काफ़ी भीड़ जा रही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जो हम लोग रियल आंखों से देख पा रहे हैं वो कैमरे में एक्चुअली कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसे डायमंड ढेर सारे फेंक दिए और ऐसे वो टिमटिमा रहे हैं, तो बहुत ही हल्का सा इसमें कैप्चर हो रहा है, बट लाइक रियल आंखों से देखने से यार गजब सा आ रहा है। ऐसे तो दिख ही नहीं पा रहा है, थोड़ा जो मैंने बैक से रिकॉर्ड किया वो आपको शायद दिख जाएगा। अब दूसरे कपड़े में खिंचवाएंगे, एक ही कपड़े में बहुत फोटो हो गया, और कुछ भी तो करना है मुझे, मेरा वीडियो बनाना है। हाँ बताओ बताओ, अब दूसरे पोज में खिंचवाएंगे और दूसरे कपड़े में, क्योंकि एक ही फोटो में आज से बहुत फोटो हो गया। हाँ ठीक है, अगर कल पहनेगा दूसरा वो खिंचाएगा, ठीक है। 300 रुपये में स्कूटी मिल, हाँ, और ये कल लेगा और ये जाएगा पूरा मसूरी घूमेगा, 300 रुपये की स्कूटी रेंट पे लेंगे। सुबह ठंडी इतनी है कि हम आगे यहाँ पर चाय पीने के लिए, और चलो दिखाते हैं आपको। ये है वो चाय की शॉप, और यहीं पियेंगे हम लोग चाय। हाँ हाँ हाँ, अरे कभी तो तेरा ही होगा, पहले पूछो कितने का है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, अनएक्सपेक्टेड था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बोले, खड़े रहने का जगह भी नहीं था। और ये मॉल रोड पे ही था, गांधी चौक पे, तो यहाँ से गाड़ी वाड़ी भी आप देख सकते हो, ट्रैफिक वगैरह था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रखा है, और पूरा जो गांधी चौक है, इसको लाइब्रेरी चौक भी बोलते हैं, तो आप देख सकते हो कितना भरा हुआ है। यहाँ पे कुछ फायरवर्क हो रहे हैं, एंड देन आगे आप देखोगे कि हमारे यहाँ ऐसे होता है कि हमारे, मतलब हमारे बनारस में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ पर मसूरी में देखा कि यहाँ पर लाग आता है, हम लोग तो लाग बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे ड्रेसअप रहते हैं, और देख जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे अलग अलग टेम्पो वगैरह पर ऐसे लोग ड्रेसअप करके खड़े रहते हैं, और ऐसे बैंड बाजा लोग डांस करते करते जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं इधर खड़ी थी और पीछे बहुत ज़्यादा वो डीजे वगैरह बैंड बाजा वगैरह था,
तो वो सारी चीज़ें थी और मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये सारी मैंने जो मैं यहाँ पे खड़े होकर मैं कर पाई मैंने वही किया है, लेकिन पीछे काफ़ी अच्छा अच्छा था। तो लेकिन एक और एक ख़ास बात यहाँ की लगी कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस पहले से आगे खड़ी हो गई थी कि इनकेस अगर कुछ होता है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है या फिर वो जब जलता है तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो लोग तुरंत मतलब यू नो वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ का एक थोड़ा सा अजीब था कि यहाँ के रावण में जब आग लगी तो बहुत धीरे धीरे करके जला। हमारे यहाँ से होता है कि एक बार आग लगी और सारे पटाखे फूटे वो एक बार में जल के हट गया। तो हम लोग बाद में यही बात कर रहे थे कि कितना टाइम लगा रहे कितना टाइम लगा रहे। तो खैर छोड़ो, आप लोग देखो और इन्जॉय करो और बताना कैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फाइनली सारा कुछ हो गया और हम लोग जैसे तैसे जो बाहर निकले थे उसमें चलने की ज़रूरत नहीं थी। इतना सब धक्का मार रहे थे कि यू नो आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे। ओके सो सब हम घर आ गए और वहाँ पे इतना लेट लगा उसको जलाने में। हम लोग काफ़ी देर वेट कर रहे थे लेकिन काफ़ी समय, हम लोग के यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है और पता नहीं यहाँ का कुछ अलग ही था। तो होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो अभी बज रहे ऑलमोस्ट लाइक 10 और मैं चेंज करूँगी और सो जाऊँगी। कल सुबह एक नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए बाय।